लागत जो है लगभग 24 लाख के आसपास है। ये जो सारे फ़ोन हैं इसमें काफ़ी फ़ोन जो है लोकल में गुमशुदा हुए थे, जिसकी सूचना हमारी साइबर टीम के पास और जो हमारी एसओजी टीम है इनके पास आई थी, जिस पर लगातार हमारी टीम इनको खोजने का कार्य कर रही थी। और आज जो है ये सारे फ़ोन हम सभी जो हमारे व्यक्ति हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। जो फ़ोन बाहरी व्यक्तियों के हैं या फिर जो बाहरी जनपद के हैं, बाहरी राज्यों के व्यक्ति हैं, उनको भी ये फ़ोन जो है उनसे हमारा संपर्क हो रखा है, उनको हम ये फ़ोन कुरियर द्वारा जो है उनके संबंधित स्थान पे जो है भेज दी जाएगी। हाँ, जैसे भी आप बुला लीजिए। दीपक पुरोहित। दीपक पुरोहित कौन है? ये अच्छा, कब खोया था भैया आपका फोन? दो तीन महीने आपने चेक कर लिया एक सब मैडम? आशीष सोनो बाबू। ये चेक कौन सा है? सीरियल वाइज लगाए सीरियल आपका कब फोन खोया था? जनवरी। कैसे खोया था? गाड़ी इसके बाद है अनीता देवी। नाम क्या आपका? दीपाल। कहाँ से रहने वाले हैं? विजय वशिष्ठ। नंबर 12 नंबर। नंबर बताना मुझे। इसके बाद है विक्रम सिंह। इसके बाद है सतीश। नंबर 18 नंबर। अजय कुमार। दीपक सिंह। 24 कैसे हो गया भी? कब हुआ था? जून में। कैसे काम हुआ था? भंडारे। आशीष कुमार। अच्छा भाई हुआ? 59। लक्ष्मण सिंह नेगी नाला से। मेरा विजय वशिष्ठ है, मैं ग्राम सभा बस्ती का रहने वाला हूँ। तो मेरा फ़ोन जो है कि 2022 में खो गया था और स्कूटी से गिरा था फ़ोन। तो मैंने इसकी कंप्लेन देते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस पर पूर्ण रूप से हमारे जो एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र था उस पर पूर्ण अपना सहयोग दिया है, जो कि मैं ये फ़ोन प्राप्त कर चुका हूँ। मैं जिला पुलिस उपाधीक्षक महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन एवं उनकी टीम जो साइबर सेल की है, मैं इनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और मैं ये मैसेज भी दूंगा कि यदि अगर किसी व्यक्ति को किसी का फ़ोन मिलता है तो वो नज़दीकी थाने में अपने उस फ़ोन को दें ताकि उससे संपर्क हो पाए, क्योंकि अब फ़ोन में हर व्यक्ति की प्राइवेसी होती है, आप उनका अकाउंट से लेके सारी डिटेल फ़ोन में होती है। तो मैं सभी नौजवान साथियों या बुजुर्गों से ये कहूँगा कि यदि अगर आपको कोई फ़ोन मिलता है उसे नज़दीकी थाने में देना चाहिए या उसकी सूचना उसको स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज फ़ोन का जो टेक्निकली जो हमारा औद्योगिकरण हुआ है, मैं उस विषय पर बात करूँगा, तो ये बहुत ईजी है। ये चीज़ें EMI वगैरह सारी चीज़ें हैं आज की डेट में, तो बहुत जल्दी कोई इतना होशियार नहीं बन सकता है किसी का फ़ोन कर लेके कि ये हम चोरी करें या कुछ भी, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें ईमानदारी से उस फ़ोन के जो स्वामी हैं उन तक पहुंचाना चाहिए। थैंक यू। पुलिस वालों को क्या कहेंगे? जो पुलिस के बारे में हमारा तो ये है कि जिस प्रकार से जो काम हमारी पुलिस ने किया है यह सराहनीय तो है, लेकिन अगर हमारे द्वारा
ये काम पहले अगर पुलिस थाने में दिया जाता वो फोन, पुलिस को इतनी कसरत और कामों में करनी होती है, ना कि वो हमारे छोटे मोटी चीज़ें हैं ये उनके लिए वो डाइवर्ट हम ही लोग कर रहे हैं, कहते हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस करेगी, लेकिन जहां हम लोगों ने अपनी भी सेवा देनी होती है, जहां हमारा स्वयं सेवा सेवी होना चाहिए, वहां हम अगर किसी प्रशासनिक आदमी का समय लेंगे तो उसमें थोड़ा ये काम थोड़ा वो हो जाए। सिंह है, मैं रुद्रप्रयाग गुप्त काशी का रहने वाला हूँ। ये फ़ोन लगभग 3 महीने पहले खोया था मेरे से, मतलब पूरा बैग ही चोरी हो गया था और आज मिल गया ये पुलिस वाले। क्या कहेंगे? मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, 3 महीने से बहुत परेशान था मैं इस फ़ोन के चक्कर में। कौन सा फ़ोन था आपका? ये था सैमसंग S24 Ultra। कितने का था ये? ये लगभग 1.5 लाख का फ़ोन। दिखाना है ये फ़ोन था, 2 दिन भी नहीं हुए थे फ़ोन चोरी हो गया। 2 दिन भी नहीं हुए थे इसके लिए? लिए हुए खाली 2 दिन हुए थे फोन से। 1.5 लाख का है? 1.5 लाख मिल गया। क्या कहेंगे पुलिस वालों को? मैं पुलिस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो और क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे कि जो जिनके फोन मिस हुए? मैं ये मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि पहले तो ऐसी जो चीज़ ऐसे गायब हो जाती है तो उनको ढूंढ के पुलिस वाले के पास दिया करो, ऐसे रखने के बाद जो इंसान मेहनत करके इतनी महंगी महंगी चीज़ें लाता है बाद में उसको बहुत तकलीफ है। थैंक यू। हेलो राकेश, 2 मिनट रुक जाना जी। हमारे पास जनवरी से लेकर अब तक जो है जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जो भी व्यक्तियों के फ़ोन खो गए थे या गुमशुदा हो गए थे या छूट गए थे, ऐसे लोगों द्वारा हमारे जो साइबर सेल है और जो हमारे SOG की टीम है उनको सूचना दी गई थी उनके फ़ोन खो गए हैं। उस पर हमारी टीम ने त्वरित काम जो है स्टार्ट करते हुए आज अगस्त के एंड तक जो है 92 फोन जो है वो बरामद किए हैं, जिनकी कुल लागत 24 लाख के आसपास है। इसमें से काफ़ी फ़ोन जो है वो जो स्थानीय लोग हैं उनके खोए हुए हैं, बस उसके साथ साथ जो अन्य प्रांतों के जो फ़ोन हैं जिसमें महाराष्ट्र, UP, बंगाल या पश्चिम झारखंड आदि के भी फ़ोन हैं, तो वो फ़ोन को जो है हम यहाँ से जो है कुरियर द्वारा अन्य वो जो व्यक्ति है वो उनको पहुँचाएँगे। साथ साथ जो व्यक्ति जिनके फ़ोन नहीं मिले हैं उनकी भी जो फ़ोन है उनको हम लगातार ढूंढ रहे हैं और ये हमारा काम जो है वो लगातार चलता रहेगा। जो हमारी टीम है साइबर की जिसने इसमें ये बेहतरीन काम किया है उसको मेरे द्वारा नगद पुरस्कार दिया। कितने का पुरस्कार आपको दे दिया? नगद पुरस्कार के लिए।